बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ ही आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है हमें। ये सारे के सारे जानवर जो हैं ये स्पेशली निकलवाए हैं आप लोगों के लिए। इनकी जो लैक्टेशन है, इनका जो सुए का नंबर है, ये चौथा और पाँचवा है। ये जो भी सामने विषय जिसकी जेर लटकी है, ये पाँचवें सुए का जानवर है। इनमें ज़्यादा गायें जो हैं ये पाँचवें सुए की हैं। बहुत चंद दाने इनमें होंगे जिनका सुआ चौथा है। तो आप ये देखें कि अगर आप लोग डेयरी से आप लोगों का ताल्लुक़ है, जानवरों को आप देख के उनकी समझ आप रखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इन गायों से हम मज़ीद दो तीन सुए जो हैं बड़े आराम से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी माशाल्लाह ये जानवर जो हैं स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, इनकी लेग स्ट्रॉन्ग है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा, पहले आप एक तरह अच्छी तरह से जानवरों को देख लें। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इनको हिलाइएगा, ज़रा आगे पीछे कीजिएगा, ताकि एक दफ़ा हमारी ऑडियंस जो है, हमारे व्यूअर्स जो हैं, एक दफ़ा जानवर देख लें, फिर मैं बाकी की डिटेल भी आपको देता हूँ जी। इसमें जर्सी के क्रॉसेस भी हैं, ज़्यादा इसमें जर्सी फ्रीजन क्रॉस हैं जी। और कोई इक्का दुक्का केस होगा जो इसमें प्योर फ्रीजन का होगा। तो इनमें जो जानवर हैं इन सब को बच्चा दिए 10 से 12 दिन हो चुके हैं। ये तो आज ही बच्चा देकर आ रही है, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं इनके हैवानों पे जो है भल बड़ी हुई है अभी भी। और पहले एक दफ़ा से जानवर देख लें, फिर आपको बाकी की बात हम बाद में समझाते हैं, ठीक है जी। ये देख लें, ये देख लें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी है कि जानवर जो है उसकी मजबूती जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसका चलना फिरना, उसकी स्ट्रेंथ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने कई सारे फार्म्स पे हम जानवर देखते हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं हमारे पास लैक कर रही होती है। जानवर उस लिहाज से स्ट्रेंथ में नहीं होते, चलते फिरते उनको प्रॉब्लम होती है, लेग स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ये देखें जनाब, ये भी पाँचवें लैक्टेशन का जानवर है। और मेरे ख्याल से ये 2 से 3 लैक्टेशन इंशाल्लाह बड़े ही आराम से दे जाएगा। घूम घुमा के मेरे आगे आई जा रही है बार बार। ये देखें जी, ये भी 5वें लैक्टेशन का जानवर है जी। थोड़ा सा इसका BCS डाउन है, क्योंकि इसको दूध दी बच्चा दिए को 15 दिन हो चुके हैं, और ये 30+ लीटर जो है मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। और इसी तरह आपको हैवाने देख के अंदाज़ा हो जाएगा, जिन जानवरों ने भाल उतार ली है वो तकरीबन 2-1 हफ्ते के राउंड अबाउट हो चुके हैं उनको बच्चा दिए, और जिनके हैवाने पे भाल है अभी वो तकरीबन हफ्ते के अंदर बाहर है। ये भी माशाल्लाह अच्छा जानवर है जी। और ये उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे जानवर जो हैं ये 40 लीटर की एवरेज को हमारे टच कर जाएंगे। अच्छा ये देखें, ये फ्रीजियन है, ये प्योर फ्रीजियन है, ठीक है जी। और ये जो है हमारे पास जर्सी फ्रीजन का क्रॉस है। अच्छा लोग पूछते हैं जर्सी फ्रीजन के क्रॉस के हवाले से, जर्सी के हवाले से। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे हिसाब से जो जर्सी फ्रीजन क्रॉस के एनिमल्स हैं इनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है जी। ये ज़्यादा मजबूत एनिमल है एज़ कम्पेयर टू अलोन जो आपका फ्रीजन का एनिमल है, ठीक है जी। आप ये जैसे ये जर्सी फ्रीजन क्रॉस में जानवर खड़ा है, इसको आप देख लें। इसी तरह ये सामने गाय खड़ी है, ये वाली जो है आप इसको देख लें। अब ये चौथे सुबह का जानवर है, बिल्कुल जवान लग रहा है, ठीक है जी। इसके चेहरे पे आपको बुढ़ापा, या हमारे यहाँ जो होता है कि चौथे सुबह में जानवरों के पेट लटक जाते हैं, वो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, तो ये ऐसा सीन कोई है नहीं, ठीक है जी। ये भी माशाल्लाह ये प्योर फ्रीजन में चौथे लैक्टेशन का जानवर है, बड़ा अच्छा कायम दायम है। अच्छा इनकी थोड़ी सी मैं बता दूँ कि पाकिस्तान में किसी ज़माने में ये जर्सी फ्रीजन क्रॉस की कैटल आया करती थी। बाद में फिर दो ही कैटेगरीज होगी, फ्रीजन की कैटेगरी होगी और जर्सी कैटल की कैटेगरी हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद अब हमारे पास तकरीबन होल्स्टीन ही आ रही है, ठीक है जी। जर्सी कैटल जो है वो कुछ लोग शौक से मंगवा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारी आवाम जो है आजकल, या कंपनीज जो इम्पोर्ट कर रही हैं वो फ्रीजन पे कर रही हैं। अच्छा इनकी दूध की जो एवरेज है ये किसी तरह से भी होल्स्टीन से कम नहीं है। ये जो जानवर खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है जी, ये लैक्टेशन का 10 से 12 हज़ार लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखते हैं जी। और दूसरी इनकी खूबसूरती ये है कि इनका जो ब्रीडिंग के जो रिजल्ट्स हैं इनके, ये बहुत शानदार हैं। ये जल्दी जो है ये कंसीव हो जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इन गायों का जो दूध है उसकी मिल्क फैट जो है वो 4-5 और 4 या 6
इसके राउंड अबाउट चल रही है और लाइक बहुत ही एवरेज सी फीडिंग पे ना, मतलब आप कह सकते हैं कि इसको मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है, पर डैट इस पे थोड़ा सी और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी फीडिंग पे। तो एक ऑप्टिमम सी फीडिंग पे ये 4.5 के करीब इनकी फैट आ रही है और ये 13 TS अपने पूरे कर जाती हैं, 28 के करीब इनकी LR चल रही है और राउंड अबाउट 4.5 इनकी फैट है। और ये चूंकि फ्रेश एनिमल्स हैं, इनकी ऑफ कोर्स मिल्क फैट ज़्यादा होगी जो बाकी हर्ड के एनिमल हैं जिनको बच्चा दिए काफ़ी अरसा हो चुका है, जो मिड लैक्टेशन में आ गए हैं या पीक प्रोडक्शन पे चल रहे हैं। तो एवरेज जो नेस्ले कोई दूध उठवाते हैं तो ये कोई 4.5 इनकी फैट आ रही है, ठीक है जी। और इसी वजह से इस रीजन में जहाँ ये बैठे हैं यहाँ पे इनके दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इनका जो दही है वो भी बहुत ख़ास है, और जितने फार्म पे हम जाते हैं इनके फार्म की जो चाय है वो पीने का मज़ा ही और है जी। तो अब इस तरह के जानवर जो हैं ये पाकिस्तान में कम ही फार्म है जिनके पास ये जर्सी फ्रीजन जो है ये क्रॉसेस आपके इनके मौजूद हैं, लेकिन मैंने इन पे काम करके देखा है जी, ये बहुत ढीठ किस्म का जानवर है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि यार क्रॉस के एनिमल लेने हैं और अच्छा दूध लेना है तो लोकल क्रॉसेस के मुकाबले में अगर आप ये जर्सी फ्रीजन क्रॉस ले लें तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। और एक मशवरा ज़रूर दूंगा तमाम अहबाब को जिनके पास फ्रीजन कैटल मौजूद है, आप लोग अपने फार्म पे कोई 20% कैटल को जो होल्स्टीन है उनको जर्सी का सीमन ज़रूर रखवाएं और आगे जो नस्ल आए वो आपके पास जर्सी फ्रीजन क्रॉस के अंदर आएगी, तो आप फिर उनको कंपेयर करें तो आप देखेंगे आपको बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आने वाला है। और जानवरों में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जानवर का सिक होना, मतलब जानवर जो बीमार हो जाए बहुत जल्दी, मौसमी हालात बर्दाश्त ना कर सके। अब इस जगह पे मुझे याद है जी पिछले साल गर्मी के मौसम में कुछ ज़्यादा शावरिंग भी नहीं करनी पड़ी, ठीक है जी। हाँ यहाँ मौसम भी कुछ बेहतर होता है, ये चकवाल के एरिया में हम खड़े हैं इस तरफ मौसम भी काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन फिर भी गर्मी तो यहाँ होती है, लेकिन जानवरों का जो बर्दाश्त का लेवल है बहुत ज़्यादा है और जिन कंडीशंस में ये जानवर यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं तो मेरा ख्याल ये है कि होल्स्टीन के लिए इन कंडीशंस को सरवाइव करना आसान नहीं होगा। ये चंद जानवर मैंने निकाले हैं जो 4th-5th लैक्टेशन के हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं लेकिन वो आपको जो है फिर किसी दिन दिखा देंगे। ये चूंकि फ्रेश कवर थे और जो एनिमल बच्चा दे के तैयारी पे आता है ना जी, उसकी जो है ना वो समझ हमें सही से आ रही होती है, उसकी बात जो है ना एक्चुअल में समझ आ रही होती है। तो अभी खैर हम इनमें होल्स्टीन के सीमन यूज़ कर रहे हैं और कुछ जर्सी को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जी। और तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप लोग अपने फार्म पे अगर आपके पास होल्स्टीन मौजूद है तो आप कुछ गायों में कुछ परसेंटेज में जर्सी जो है सीमन उसको ज़रूर इंट्रोड्यूस करें एंड देन सी उन एनिमल्स को अपने शेड में परफॉर्म करता भी देखिएगा। ये कोई लंबा छोटा गेम तो है नहीं जी, 3 साल में वो बच्ची जो है अगली 9 महीने माँ के पेट में रहेगी और 2 साल के बाद इंशाल्लाह वो मिल्किंग का हिस्सा बन जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अच्छा अगली बात ये है कि ये देखें इनके जो हिवाने जो लटक जाते हैं ना जर्सी के, वो भी कोई इतना इशू नहीं है। ये देखें ये इसका हिवाना, मैं कहता हूँ 5वें लैक्टेशन के लिए इस हिवाने का होना ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। और अभी हल्की सी इसने भल की हुई है, ये थोड़ा सा और इम्प्रूव कर जाएगी, ठीक है। अब ये जर्सी कैटल खड़ी है क्रॉस में और ये प्योर फ्रीजन खड़ी है, कुछ ज़्यादा फ़र्क इन दोनों में देखने में नज़र नहीं आता। ये भी देखें ये भी जर्सी कैटल का फ्रीजन क्रॉस है। अब आप इनके जितने गायों के हिवाने आप देख सकते हैं, आप देखें कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा लटका हुआ नहीं है और इनको बड़े आराम से जो है मशीन लगाई जा सकती है। ये भी देखें जनाब, ये भी बड़े आराम से मशीन लग सकती है। तो बेसिकली जो है ये जो आपके जानवर के गोडे हैं स्टाइफल जॉइंट जो है, सॉरी हॉक जॉइंट जो है, हॉक से मैं कहता हूँ कि ये जिसको ये गोडा जो है इससे ऊपर हिवाना होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो तकरीबन राउंड अबाउट इनका जो है मामला ठीक है जी, अडर डेप्थ भी इनकी ठीक है, लेफ्ट भी इन एनिमल्स के कईयों के बहुत क्लियर हैं, बहुत विजिबल हैं। तो एट दी एंड डेयरी में जी सक्सेसफुल एनिमल वही होगा जो एक्सट्रीम कंडीशंस को जो है बेयर कर सकता होगा और जिसमें मिनिमम जो है वो आपको मेडिकल कंसल्टेंसी की ज़रूरत होगी, आपका स्ट्रॉन्ग एनिमल होगा और जो मौसमी शिद्दत को भी अच्छे से बर्दाश्त कर सकता होगा, वही जानवर आपको फ्यूचर में जो है आपके फार्म का आपका आप कह लें कि मेन प्रॉफिट जनरेट करने वाला आपका जानवर होगा।
तो इस एंगल पे भी देखिएगा, इस पे भी काम कीजिएगा। अच्छी सी जर्सी क्या नस्ल का जो है कोई आप सीमन इस्तेमाल कर लें। इनके अंदर मैं इंशाल्लाह ऑजी गोल्ड जो है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद इंशाल्लाह आई होप सो कि हम इसको मज़ीद जो है वो बेहतर इंशाल्लाह करेंगे। ले जी आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।